बारा से जहां पर ईद मिलादुम्बी के जुलूस के दौरान हंगामा हो गया। जुलूस में शामिल लोग और पुलिस आमने सामने हो गए। जुलूस में शामिल कुछ लोग तय रूट से अलग जाना चाहते थे, जिसका पुलिस ने विरोध किया। इस दौरान जुलूस में शामिल लोगों की तरफ से हंगामा शुरू हो गया। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी विपिन तिवारी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विपिन, क्या जानकारी, क्यों इस हंगामे की शुरुआत हुई? पुलिस प्रशासन और जो आयोजन करता थे जुलूस के, उनका पूर्व में ही मार्ग निर्धारित कर दिया गया था। तो मार्ग निर्धारण के अनुसार उनको प्रताप चौक से पहुंचकर इंदिरा मार्केट की तरफ मुड़ना था, लेकिन जैसे ही प्रताप चौक जुलूस पहुंचा तो इस दौरान जुलूस में जो शामिल कुछ लोग थे वो जुलूस से अलग हटकर प्रताप चौक के दूसरे रास्ते पर जबरन जाने लगे। इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो वो पुलिस के आमने सामने हो गए। कुछ पुलिसकर्मियों को धक्के भी लगे, इसके बाद वहां पर माहौल गर्मा गया। पुलिस ने उनको जबरन जो है तय मार्ग पर ले जाने की कोशिश की, लेकिन जो है वो लोग थे जो नहीं मान रहे थे, आक्रोशित थे, उन लोगों ने वहां जमकर हंगामा कर दिया, नारेबाजी करने लगे पुलिस के खिलाफ भी, और काफी वहां पर माहौल गर्माता गया, हंगामा हो गया काफी देर तक। लेकिन वहां पर मौजूद जो एसपी थे, एडिशनल एसपी थे, उन्होंने मोर्चे को संभाला। समाज के जो इनके वरिष्ठ लोग थे उनको, उनसे वार्ता की और फिर समझाइश के बाद जो है, कुछ देर बाद समझाइश हुई, समझाइश के बाद जो है लोगों को निर्धारित मार्ग पर पहुंचाया गया। फिलहाल जो है जुलूस शांतिपूर्ण निकल चुका है। जुलूस निकलने के दौरान हंगामा जरूर हुआ था, लेकिन इस अभी जो है वक्त वो माहौल एकदम शांत है और सब कुछ सामान्य है। बारह में तो कह सकते हैं कि एक बड़ा हंगामा था, हो सकती थी घटना तब्दील, लेकिन पुलिस की सहनशीलता ने जो है उसको, माहौल को तत्परता ने शांत कर दिया। बिल्कुल विपिन, नजर बना के रखिएगा, फिर लौटेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के। न्यूज 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर।